गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। जम्मू संभाग के कुछ जिलों में आज भी शाम तक कोरोना वायरस के 19 पॉजिटिव मामले सामने हैं। सबसे ज्यादा पॉजिटिव लोग पुंछ में पाए गए हैं, जहां 13 लोगों को इस महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। बात करें अगर जम्मू संभाग की तो जिला जम्मू में आज 3 लोग पॉजिटिव पाए गए, इनमें से 2 लोग गांधीनगर और 1 रूपनगर का बताया गया है, जिसकी पुष्टि जब मेडिकल बुलेटिन जारी होगा उसमें हो जाएगी। दूसरी ओर जिला सांबा से एक और कठुआ के बसोली इलाके से भी सामने आया, और साथ ही साथ पॉजिटिव पाए गए इन दोनों लोगों की बाहर की और इन्हें प्रशासनिक क्वारंटाइन में रखा गया था, इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की बताई जा रही है। वहीं सांबा में अब एक्टिव मामलों की संख्या 24 पहुँच चुकी है, जबकि जिला कठुआ में 3 लोग स्वस्थ भी हो गए हैं, जिससे वहाँ ये आंकड़ा अब 44 हो गया है। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में 58 नए मामले सामने आए, इसमें 27 कश्मीर, 19 कुलगाम, 4 कुपवाड़ा, 7 बारामुल्ला और 1 पुलवामा से पाया गया है। यानी जम्मू कश्मीर में अब तक 3,013 मामले पहुंच चुके हैं। वहीं आज कश्मीर में 1 की मौत कोरोना वायरस की वजह से दर्ज की गई। आरसपुरा के राधा स्वामी सत्संग घर में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से 244 लोगों को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। इस क्वारंटाइन सेंटर के इंचार्ज BDO महेंद्र सिंह ने बताया कि इस सेंटर में 301 लोगों को रखा गया था, जिनमें कुछ लोगों को कल रवाना किया गया था। आज 244 लोगों की क्वारंटाइन अवधि पूरी होने पर उनकी घर वापसी सुनिश्चित की गई है। कोरोना महामारी के खिलाफ जंग में डॉक्टर फ्रंट फुट पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिन पर कोरोना से संक्रमित होने का खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। इस महामारी से डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, इसके बारे में आज जम्मू के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इन लोगों को जागरूक किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की तरफ से जम्मू कश्मीर के 5 लोकसभा सदस्यों को प्रदेश में होने वाले विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन के लिए आयोग का एसोसिएट सदस्य मनोनीत किए जाने से आयोग अब जल्द अपना काम शुरू करेगा, जिसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। वहीं फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग का गठन किया था। पिछले 3 महीनों से आयोग विभिन्न वजहों से काम आगे नहीं बढ़ा पाया था। 5 लोकसभा सदस्यों में BJP के सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 सांसद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी शामिल हैं। लेकिन खबर ये आई कि इसको लेकर एक बैठक हुई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए जम्मू कश्मीर में इस साल के वार्षिक खीर भवानी मेले और यात्रा को नहीं करने का फैसला लिया गया है। वहीं ये साफ कर दिया गया है कि इस साल मेले की पारंपरिक पूजा और आरती विधिवत तरीके से की जाएगी, जिससे विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से भक्तों से साझा भी किया जाएगा। विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ये आरती, ये पूजा साझा की जाएगी। आपको बता दें कि वार्षिक खीर भवानी मेला हर साल ज्येष्ठ अष्टमी को, इस साल 30 मई को है, आयोजित किया जाना था, पर अभी जिस प्रकार के हालात देश भर में बने हुए हैं, राज्यों में बने हुए हैं, उसको लेकर इसे टाल दिया गया है। इस मेले में देश भर से लाखों कश्मीरी पंडित भाग लेते हैं। ये मेला कश्मीर घाटी के गांधरबल जिला के रगियाना देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है, जिसमें कश्मीरी पंडित अपनी कुलदेवी से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचते हैं। पर अब ये जो मेला होगा, इसका प्रसारण आप सीधा देख सकते हैं विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आज हुए जोरदार धमाके से लोग सहम गए। हाईवे पर टिकरी इलाके में आज जिसने भी ये मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। धमाके की आवाज से लोगों को कुछ पल तो ये महसूस हुआ कि शायद आतंकियों ने किसी घटना को अंजाम दिया है, लेकिन जल्द ही उनकी ये गलतफहमी पूरी तरीके से दूर हो गई। दरअसल हाईवे से गुजर रहे इस ट्रक में LPG सिलेंडर लदे हुए थे और एक सिलेंडर के लीक होने से उसमें आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक में लदे सैकड़ों LPG सिलेंडरों में धमाका शुरू हो गया, जिनकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। गनीमत यह रही कि ट्रक का चालक सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा, और इस हादसे में ना तो कोई जानी नुकसान हुआ और ना ही कोई घायल हुआ। आलम यह था कि इस हादसे में ट्रक के परखच्चे तक उड़ गए और किसी की भी
घटनास्थल तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। धमाका खत्म होने के बाद पुलिस और फायर सर्विसेज की टीम मौके पर पहुंची और जल रहे सिलेंडरों पर पानी डालकर आग को बुझाया। जम्मू के प्राचीन रघुनाथ बाजार में पार्किंग पर प्रतिबंध दुकानदारों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। चौथे लॉकडाउन में सरकार द्वारा भले ही दुकानें खोलने की इजाजत दी गई थी, लेकिन इस रियायत का दुकानदारों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। आलम यह है कि कई दुकानदार तो अब अपनी दुकानें भी नहीं खोल पा रहे। दुकानदारों का कहना है कि बाजार में आने वाले ग्राहकों को कुछ समय के लिए गाड़ी पार्क करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बताते चले कि रघुनाथ बाजार का ज्यादातर कारोबार पर्यटकों पर निर्भर है और अब कोरोना महामारी के कारण पर्यटन उद्योग तो तबाह हो गया है। स्थानीय लोग भी यहाँ खरीदारी के लिए नहीं पहुँच पा रहे, जिस कारण दुकानदार परेशान है और दुकानदार यहाँ दुकान खोलना जरूरी भी नहीं समझ रहे। चीन द्वारा लद्दाख में की जा रही घुसपैठ को लेकर देश भर के लोगों में गुस्से की लहर देखी जा रही है। चीन की इस हरकत के विरोध में आज जम्मू में नेशनल आवामी स्टूडेंट यूनियन ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने लोगों से चीन में निर्मित सामान का बहिष्कार करने की अपील की। NSUI की प्रदेश इकाई ने सरकार पर जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव और कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाया है। NSUI ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी कश्मीर यूनिवर्सिटी की तर्ज पर मास प्रमोशन देने की मांग की है। उनका कहना है कि देश भर के कुछ राज्यों के साथ साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स को मास प्रमोशन दी जा रही है, लेकिन जम्मू यूनिवर्सिटी परीक्षाएं लेने पर अड़ी हुई है। इस बाबत कई ज्ञापन जम्मू यूनिवर्सिटी प्रशासन को सौंपे गए हैं और उनका भी जवाब अभी तक नहीं दिया जा रहा। परीक्षाओं की नोटिफिकेशन सहित अन्य मुद्दों को लेकर छात्रों के एक शिष्टमंडल ने क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के कंट्रोलर से मुलाकात की। शिष्टमंडल की अगुवाई कर रहे छात्र नेता प्रतीक रैना ने बताया कि परीक्षाओं को लेकर यूनिवर्सिटी द्वारा अभी तक कोई जानकारी छात्रों को नहीं दी गई है, जिससे वो बेहद परेशान है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यूनिवर्सिटी ने एक सप्ताह के भीतर परीक्षाओं की नोटिफिकेशन जारी ना की तो वो सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। ऑल ऑटो स्पेयर्स एंड रिपेयर्स एसोसिएशन ने ग्राहकों और दुकानदारों को कोरोना महामारी से बचाव के प्रति जागरूक करने का अभियान शुरू किया। इस अभियान के तहत आज एसोसिएशन ने नई बस्ती जम्मू में उन्हें इस महामारी के प्रति जागरूक किया। इस अवसर पर जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन और एसोसिएशन के प्रधान वहाँ पर मौजूद थे। भारतीय जनता युवा मोर्चा की कठुआ इकाई ने जिला प्रशासन से लखनपुर में रेहड़ी लगाकर अपने परिवारों का पेट भरने वाले लोगों की मदद करने की मांग की है। अपनी इस मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने DC कठुआ से मुलाकात की और इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा। भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते पिछले कुछ महीनों से ये रेहड़ी वाले अपने घरों में बैठे हुए हैं और अब भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से इन लोगों की आर्थिक मदद के साथ साथ उन्हें रेहड़ी लगाने की अनुमति देने की भी मांग की। जम्मू नगर निगम की सफाई कर्मचारी यूनियन ने आज शहर में सेवाएं देने वाले सभी सफाई सेवकों को सम्मानित किया। यूनियन ने निगम की कमिश्नर अवनी लवासा के हाथों इन सफाई सेवकों को प्रशस्ति पत्र मास्क देने के अलावा इन पर पुष्प वर्षा भी की। अवनी लवासा ने बताया कि कोरोना काल में सफाई सेवकों द्वारा दिए जा रहे योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। जिला पूंछ के सीमावर्ती इलाकों में सड़कों की खस्ता हालत से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। जिला के सीमावर्ती गांव पठानातीर के लोगों का कहना है कि सरकार ने इलाके में सड़कों का जाल तो बिछाया, लेकिन इन सड़कों पर गाड़ियों का चलना तो दूर, इंसान पैदल भी सफर नहीं कर पाता। इन लोगों के मुताबिक इन सड़कों की मरम्मत के लिए कई ठेकेदार बदले गए, लेकिन इन सड़कों की हालत नहीं बदली। सड़कों की खस्ता हालत से जिला की 11 पंचायतों के लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि अपनी इस परेशानी को लेकर वह कई बार प्रशासन के आगे गुहार भी लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई। उधर आरसपुरा के गांव जिंदड़ मेलू के लोग भी सड़क की खस्ता हालत को लेकर परेशान हैं। इन लोगों के मुताबिक जिंदड़ मेलू से लेकर रठाना गांव तक सड़क की खस्ता हालत
उनके लिए नासूर बन चुकी है और कोई भी इसकी मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने बताया कि इसकी मरम्मत को लेकर वह पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों से भी कई बार संपर्क कर चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। सुचेतगढ़ के दीवानगढ़ गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला की पहचान मनीषा चौधरी पत्नी रविचंद निवासी दीवानगढ़ के रूप में की गई है। विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। यही नहीं, उन्होंने पुलिस पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया। चलिए, खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़।